छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है, बहन को लेकर गंदी बात, भाई ने दोस्त को मार डाला, पत्थर से सिर कुचलकर हत्या, खून से लथपथ मिली लाश, पत्नी छोड़कर चली गई थी। गरियाबंद में एक व्यक्ति की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। आज सुबह चौबेबांधा तालाब के पास 38 वर्षीय टोमन पटेल का शव मिला। पूछताछ में पता चला कि अपने दोस्त की बहन के बारे में अश्लील बातें करता था, जिसके चलते नाराज होकर दोस्त ने ही उसे मौत के घाट उतार दिया। राजिम थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। जानकारी के मुताबिक चौबे बांधा गांव में रहने वाला मृतक टोमन पटेल 38 वर्ष की शादी 15 साल पहले हुई थी, लेकिन उसकी गलत हरकतों के चलते पत्नी के साथ उसका अक्सर विवाद होता था। परेशान होकर पत्नी शादी के साल भर बाद ही मायके चली गई। इसके बाद टोमन ने शादी नहीं की थी। गांव में ही रहने वाले अपने दोस्त की बहन के बारे में गंदी गंदी और अश्लील बातें किया करता था। दोस्त ने एक दो बार इस पर आपत्ति जताई, लेकिन टोमन ने उसकी बहन को लेकर गंदी बातें कहना जारी रखा। मंगलवार को टोमन पटेल एक बार फिर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, जहां उसने दोस्त की बहन को लेकर आपत्तिजनक बात कही। इससे गुस्साए दोस्त ने टोमन की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। राजिम थाने से लगे गांव चौबे बांधा में शीतला तालाब के पास उसकी लहूलुहान लाश मिली। लोगों ने शव देखकर इसकी सूचना तुरंत राजिम थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस को शव के पास ही हत्या में इस्तेमाल पत्थर भी पड़ा हुआ मिला है, जिस पर खून लगा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। वहीं एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर ने कहा कि प्रारंभिक पूछताछ के बाद संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने हत्या में एक से ज्यादा लोगों के शामिल रहने की भी आशंका जताई है। एएसपी ने कहा कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।